जल्दी दी आज बिजली का रीडिंग किराएदार 10 रुपए यूनिट देता है, मकान मालिक को 3000-4000 रुपए किराया देता है, राशन का देता है, कहाँ से बचेगा, क्या करेगा मजदूर आदमी, ये बताइए, कुछ है कुछ जवाब तुम्हारे पास? सरकार कुछ कहती नहीं है, कहती हमने 2 करोड़ रोजगार बढ़ा दिया, कहाँ बढ़ा दिया, नोएडा की तो ऐसी तैसी मरी पड़ी है, नोएडा में बिल्कुल भी रोजगार नहीं है। दिल्ली से आ रहा हूँ रिक्शा चला के, इस कपड़े में रिक्शा चला के आ रहा हूँ। नोएडा, नोएडा यूपी की शान है, और इसी में रोजगारी नहीं है, इसमें कितना करोड़ आदमी काम करता है, कितना करोड़ आदमी काम करता है, आज की डेट में कई करोड़ आदमी बेरोजगार है नोएडा के अंदर। देखो राशन फ्री दे रही है, एक मिनट, अरे एक मिनट सुनो, राशन फ्री दिया सरकार ने, राशन फ्री दे रही है, कुछ लेडीजों के जो नाम पे सिलेंडर हुए फ्री, वो सिलेंडर फ्री दे रही है। उस टाइम सिलेंडर कै रुपए का था, 600 रुपए से कम, अब कितने का आ रहा था, 1100 रुपए का, कहाँ गया पैसा भाई, अब तो 200 कम। अरे तो 200 रुपए से क्या हो रहा है, ये तो वो रहा है मुर्दे के बाल उखाड़ने से मुर्दा हल्का होता है, ये हम कैसे तय कर सकते भाई? नहीं कर सकते, आप ही के तो वोट से मोदी जी बैठे हैं, अपना अनुभव बताइए। कोई किसी की वोट पर नहीं बैठा, वोट की ताकत से मोदी जी वहाँ बैठे हैं। हमें तो ये कांग्रेस से बढ़िया कोई नहीं लगी अभी तक। क्यों, कांग्रेस से तो कह रहे हैं कि वो घर की पार्टी है कांग्रेस। भाई ऐसा है कि जो भी अभी तक जो भी हम कमा रहे खा रहे कांग्रेस ने ही पैदा करा, उसी से ही सब विकास हो रहा, उसी की ये खेती है, उसी से ही सब कुछ हो रहा है, आई समझ में? जो नोएडा बसाया हुआ है ना, यहाँ से लेके चले जाओ अहमदाबाद तक पूरी इंडस्ट्री, जो भी सिलाई का काम लाई सिर्फ इंदिरा गांधी लाई है, उसी से ही सब रोजी रोटी खा रहे, नहीं मेड़ों पर घास नहीं मिलती छीलने के लिए, बकरियां फड़ाने बस हमारे पास। मैं कहा ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहता, पर रोजगार चाहिए भाई, रोजगार की कमी है। हाँ बहुत, सरकार तो 2 करोड़ रोजगार हर साल दे रही है भाई, कहाँ है, खाली है, देखो खाली हाथ जा रहे हैं, क्या है बता, जिस कंपनियों में 2000 वर्कर्स काम करते थे अब 200 वर्कर्स रह रहे हैं, क्या हो रहा है ये भाई, रोजगारी नहीं है। अच्छा क्या कह रहे हैं? हम ये कह रहे हैं नोएडा में आज से पहले जब ये सरकार नहीं थी उससे पहले 70% से भी ज्यादा रोजगार था, आज की डेट में 40% रोजगार है नोएडा के अंदर, ये देखो। लेकिन सरकार तो करे हर साल 2 करोड़ रोजगार, मजदूरों को देखो ना, हमसे आगे पूछो ना कहाँ पे रोजगारी, 12-13 हजार रुपए सैलरी दे रही है, दिखा रहे हैं 20 हजार, कहाँ है भाई ये बात, बताओ कहाँ है, कहाँ है? कह रहे हैं कि पहले जो है सैलरी कम मिलती थी तो अब ज्यादा मिलती है, सैलरी कहाँ बढ़ गया, 100-200 बढ़ने से सैलरी बढ़ती है, आज की डेट में कमला की ये बताओ 12 हजार में क्या होता है, मैंने खुद काम किया, मैंने खुद अभी बेरोजगार इसलिए बैठा हूँ, 12 हजार में क्या होता है? कितनी भाव चल रही थी आज बिजली का रीडिंग, किराएदार 10 रुपए यूनिट देता है, मकान मालिक को 3000-4000 रुपए किराया देता है, राशन का देता है, कहाँ से बचेगा, क्या करेगा मजदूर आदमी, ये बताइए, कुछ है कुछ जवाब तुम्हारे पास? सरकार कुछ कहती नहीं है, कहती हमने 2 करोड़ रोजगार बढ़ा दिया, कहाँ बढ़ा दिया, नोएडा की तो ऐसी तैसी मरी पड़ी है, नोएडा में बिल्कुल भी रोजगार नहीं है। दिल्ली से आ रहा हूँ रिक्शा चला के, इस कपड़े में रिक्शा चला के आ रहा हूँ। नोएडा, नोएडा यूपी की शान है, और इसी में रोजगारी नहीं है, इसमें कितना करोड़ आदमी काम करता है, कितना करोड़ आदमी काम करता है, आज की डेट में कई करोड़ आदमी बेरोजगार है नोएडा के अंदर, जिसको रोजी रोटी नहीं मिल पा रही है। लेकिन सरकार तो कर 2 करोड़ रोजगार मिल रहे हैं, गरीबों को राशन मिल रहा है और आवास भी मिल रहा है। देखो राशन फ्री दे रही है, एक मिनट, अरे एक मिनट सुनो, राशन फ्री दिया सरकार ने, राशन फ्री दे रही है, कुछ लेडीजों के जो नाम पे सिलेंडर हुए फ्री, वो सिलेंडर फ्री दे रही है, उस टाइम सिलेंडर कै रुपए का था, 600 रुपए से कम, अब कितने का आ रहा था, 1100 रुपए का, कहाँ गया पैसा भाई, अब तो 200 कम। अरे तो 200 रुपए से क्या हो रहा है, ये तो वो रहा है मुर्दे के बाल उखाड़ने से मुर्दा हल्का होता है, ये बताओ, उस टाइम भी इतनी है, आज भी इतनी है, 200-300 रुपए बढ़ने से क्या होता है, 500 रुपए बढ़ गए तो क्या हो गए, 500 रुपए से कुछ ना होता भाई, तब से जब भाई साहब, हाँ भैया तब, अरे किराया कितना बढ़ गया, किराया कितना बढ़ गया, 500 रुपए किराया बढ़ गया, 500 रुपए सिलेंडर पे बढ़ गए, 1000 स्कूल में फीस के बढ़ गए, कहाँ से देंगे हम, अरे हाँ तुम सही कह रहे हो, हाँ मैं सिलाई का काम करता हूँ, सिलाई का काम में बहुत करोड़ों आदमी है जो परेशान है आज की डेट में नोएडा के अंदर, अरे हाँ दिखाई दे रहा, तुम्हें परेशान नहीं हो, बताइए आप सरकार को कह रहे हैं, रुके बोलना है तो इधर आ जाइए, आ रहा हूँ, जब आप कह रहे हैं कि सरकार गलत है, ये हम ही कह रहे हैं रोजी रोटी बढ़ाए हमारी, रोजी रोटी में तो क्या दे, तनख्वाह बढ़ाए हमारी, तनख्वाह 18-20 हजार से कम नहीं होनी चाहिए जब इतनी महंगाई है, तो ये बताइए कैसे आप लोग चुन दे रहे हैं, दोबारा कैसे आ गई, दोबारा कैसे आ गई, इधर पब्लिक की मेहरबानी कैसे आ गई, बेईमानी से आई है, कैसे आई है हमें पता, कैसे आई है, 14 में भी 19 में भी पूरा विपक्ष एक हुआ था, फिर हमने तो वोट दे ही ना,
अब आ कैसे कि हमने अपनी बता रहे, हमने तो वोट दी ना, हम तो अपनी बता रहे, हमने वोट नहीं दी, हम तो खुलेआम बता रहे हैं। 2024 में किसकी सरकार दे रहे हैं? वहाँ की किसी की भी आओ, कोई दिक्कत ना हमें। मोदी की आई सरकार 24 में आए भले ही किसी की भी, मगर महंगाई नहीं होनी चाहिए। महंगाई है तो रोजगारी बढ़नी चाहिए, तनख्वाह बढ़नी चाहिए, मजदूर आदमी को परेशानी नहीं होनी चाहिए। सरकार किसी की भी आओ, मजदूर आदमी परेशान ना होना चाहिए। आज सैलरी बस कितनी है? 13,000। 8 घंटे की है? 8 घंटे की 13,000 कम है तुम्हारी सैलरी? कम से कम 18-20 हज़ार होनी चाहिए, जिस हिसाब से महंगाई है उस हिसाब से 18-20 हज़ार से कम नहीं होनी चाहिए आदमी की सैलरी, मजदूर आदमी की। अजी डिग्री रखी है, सिलाई काम कर रहे हैं, डिग्री वाले हैं, मजदूर आदमी है। तो 24 में विपक्ष सामना कर पाएगा? कौन सा विपक्ष सामना करो या ना करो, हमें इससे लेन देन नहीं है। मगर ये है विपक्ष जिस तरीके से विपक्ष चल रहा है, तो उम्मीद ये है कि विपक्ष सामना कर पाएगा, उम्मीद है ये। 13,000, 12,800 हेल्पर की 8,500, 9,000 मान लो। नोएडा यूपी की शान है, मैं ही बता दूँ। और नोएडा के अंदर कितनी करोड़ जनता काम करती है, ठीक है? इसमें इस चीज़ को देना ध्यान देना चाहिए कि भाई मजदूर की तनख्वाह कितनी देनी है कंपनी सरकार को जो कुछ दिखाती है, देती क्या है, इस चीज़ पे कोई ध्यान ही नहीं होता सरकार का। बस सरकार को उधर रजिस्टर में दिखा दिया कि हम 18,000 दे रहे हैं बर्गर को, बर्गर को मिल रही है 13,000 रुपये, तो क्या है? तो मैं वही तो बात कर रहा हूँ, तो यही तो मैं बात कर रहा हूँ, यही बात मैं कर रहा हूँ। जैसे कि मान लो हमारी तनख्वाह 12-13 हज़ार रुपये है, अब उसमें सरकार हमें कंपनी दिखाती है सरकार 18,000-20,000। जो कंपनी प्राइवेट वाली कंपनी है ना जितनी नोएडा के अंदर है, ये 18-20 हज़ार से कम नहीं दिखाती है गवर्नमेंट के लिए तनख्वाह में इतनी दे रहे हैं, मजदूर को नहीं मिलती है वो तनख्वाह। इस पर सरकार देती ध्यान कहाँ देती है भाई? सरकार देती कहाँ है ध्यान इस पर भाई? मजदूरों के बीच में आके पूछो ना कि भाई सरकार तुम्हें कितनी वेतन मिल रहा है भाई, कैसे तुम गुजारा कर रहे हो?